We arrest you now. You can arrest me anytime, bro. ये जेल है जेल. Welcome to Nigeria. यही वो एयरपोर्ट है जो मुझे मेरे घर पे वापस पहुंचाएगा. मेरी फ्लाइट कैंसिल्ड हो गई और उसके बाद कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे से होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे, मज़े कर रहे होंगे. आपका भाई भी काफ़ी अच्छे से है. आज मैं नाइजीरिया का ट्रिप ख़त्म कर रहा हूँ. क्यों, तो क्या हुई? और मैं जा रहा हूँ कानो से वापस लागोस, बिकॉज जो मेरी फ़्लाइट है वो रात के 10 बजे की लागोस से है. और कानो से जो मेरी फ़्लाइट थी लागोस जाने के लिए सुबह 11:45 की थी, मतलब 12:15 की. और आपको भी टाइम बताऊँ तो आपको यकीन नहीं होगा कि टाइम ऑलरेडी 12:30 हो चुका है और अब तक फ़्लाइट नहीं आई है. मतलब एयरपोर्ट पे भी फ़्लाइट नहीं आई है. और जब फ़्लाइट आएगी उसका वो पैसेंजर खाली होगा, उसकी फ़्लाइट की क्लीनिंग एंड ऑल, फिर नई पैसेंजर की बोर्डिंग. आई डोंट नो मैं कब तक फ़्लाई करने वाला हूँ यार, बहुत ज़्यादा लेट है. और ये चीज़ मैं बताना चाहूँगा ना कि अफ्रीका में हर एक फ़्लाइट डिले रहती है, हर एक फ़्लाइट डिले रहती है यार. सही बात है. मतलब 1.5-2 घंटा तो उन लोगों के लिए बहुत कॉमन है. मैं यहाँ पे सिर्फ 30 मिनट पहले आया एयरपोर्ट पे. मुझे मालूम था कि यहाँ की फ़्लाइट काफ़ी लेट रहती है, तो उसके हिसाब से मैं थोड़ा लेट निकला था. और मेरा वीज़ा कल एक्सपायर हो रहा है, 20 को एक्सपायर हो रहा है, और आज 19 है. तो होपफुली आज स्टैंप लग जाए मेरा वापसी का, नहीं तो कल मेरे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी. भले वो फ़्लाइट कितनी भी डिले हो, लेकिन एक बार 19 तारीख को स्टैम्प लग जाए भाई, एग्जिट कर रहा है बंदा, तो टेंशन ख़त्म है क्या. नहीं, और यहाँ पे ना ड्रोन का बहुत मसला है यार. मतलब मसला कैसा है ना, केबिन बैग में आप रिमोट रखो और ड्रोन को रखो चेकिंग बैग में. भी मुझे बोल रहे थे कि बैटरी भी अलाउड नहीं है हैंड बैग में. मतलब वाओ, वर्ल्ड वाइड ये है कि भाई जितने भी बैटरी आइटम है सबको रखना है हैंड बैग में, और यहाँ बोलते अलाउड नहीं है. तो इसके बाद ना मैंने बैटरी बैग से निकाला ही नहीं. बेसिकली मैं जब ट्रे में खाली करता हूँ सारी चीज़ें खाली कर देता हूँ, ताकि वो बार बार वो बैग को रोक के पूरा खुलवा के चेक ना करें. इसलिए मैंने निकाला ही नहीं, सब कुछ बैग में छोड़ दिया, और इन लोगों ने इजीली छोड़ दिया. मंद बुद्धि है शायद. मैंने यहाँ पे नाश्ता किया है, समोसा लिया था मैंने यहाँ पे, फिर एक रेडीमेड मिल्क लिया, वो लिया. बस बैठा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ. होपफुली जल्दी से अनाउंसमेंट हो गया. 2-3 पर अनाउंसमेंट हो गया, 1 घंटा डिले रहेगा, 1/2 घंटा डिले रहेगा. एग्जैक्टली कितना डिले होगा पता नहीं है, जस्ट वेटिंग फॉर इट. आज आपका भाई इंडिया आ रहा है, तो तैयार हो जाओ मुझे स्वागत करने के लिए इंडिया. ये है बीफ समोसा जो हम इंडिया में खाते हैं, वही मैंने यहाँ भी खाया है. और ये था डोनट्स, बहुत ज़्यादा चीज़ी था. खाना देख लो, खाना कैसा देते हैं ये लोग. केक है, ये केक मिलेगा. उसके बाद इसमें 2 छोटी छोटी बिस्किट रहेगी, बहुत छोटी छोटी बिस्किट रहेगी. ऑरेंज ड्रिंक है, थोड़ा सा मेंटोस आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए, और एक टिश्यू, और एक पानी का बॉटल. और एयरपीस की फ़्लाइट है, बस यही खाने मिलेगा. जितनी भी मैंने फ़्लाइट लिया एयरपीस की, सब में मुझे यही मिला था खाने के लिए, कुछ डिफरेंट नहीं है. चलो खाते हैं और फिर सो जाऊँगा, 1 घंटे में तो पहुँच ही जाऊँगा. मेरी फ़्लाइट जो यहाँ से निकली है 2 घंटा लेट निकली है, 11:45 का था और निकली है 1:45, 2 घंटे का डिले. लेकिन लागोस से मिलेंगे, लागोस से मैंने ड्राइवर को बोल दिया है, तो वहाँ बैठा हुआ मेरा इंतजार कर रहा है. चलो गाइस, तो फाइनली मैं पहुँच गया लैगोस के डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे. यहाँ पे 2 टर्मिनल है, एक डोमेस्टिक एंड एक इंटरनेशनल. तो मैं डोमेस्टिक टर्मिनल पे आया हूँ बिकॉज मैं जस्ट फ्लाई करके आया हूँ कानों से, और बस यहाँ से लगेज कलेक्ट करना है जिसकी लाइन में लगा था. और एक चीज़ यहाँ पे यार, कि जब आप लगेज लेके निकलते हो ना, तो ये लोग आपके टिकट से चेक करते हैं कि लगेज वो आपका है या नहीं है. जो टिकट के पीछे स्टिकर लगाता है ना लगेज का, स्पेशली वो चेक करते हैं. दिस इज़ समथिंग वेरी गुड. इसमें आपका लगेज मिस होने का चांस पूरी तरह से ख़त्म हो जाता है. तो चलो अब मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट के बाहर, जहाँ मेरा ड्राइवर वेट कर रहा है, एंड होपफुली मुझे ज़्यादा उनको ढूंढना ना पड़े. मस्त जोक मारा रे, यू कैन अरेस्ट मी एनी टाइम ब्रो. दिस इज लागोस, द फ्लाइट विल बी ऑलवेज लेट. आई हैव अ वेरी बैड एक्सपीरियंस विद एयरपीस. Okay. From 3 o'clock we reach here at 4 o'clock. Oh my God! But I was happy that the both flight gap is very long. You understand? You know that you are here. I understand. Everybody.
आप सोच रहे होगे कि मैं लैगोस में बाहर वापस क्यों जा रहा हूँ जब मेरी नेक्स्ट फ्लाइट आज की ही है। तो इसका रीज़न ये है कि मेरी जो फ़्लाइट है वो रात के 9 बजे की है। तो मैंने मेरे ड्राइवर को बोला कि चलो भाई थोड़ा सा लैगोस सिटी दिखाओ, तो इसने बताया एक बेस्ट मॉल है। तो अब हम जा रहे हैं डायरेक्टली उसी मॉल में। ये सब जो आप देख रहे हो ना, ये सब एक्चुअली क्रिसमस की प्रोग्राम की तैयारी चल रही है। बिकॉज मैं 19th of December में हूँ अभी और क्रिसमस 25 तारीख को है। हर मॉल में यहाँ पर क्रिसमस बहुत बड़े लेवल पे मनाया जा रहा है। और पूरे नाइजीरिया में मेरे पास खाने का बस यही एक ऑप्शन था, चिकन रिपब्लिक। तो फाइनली अब मैं वापस जा रहा हूँ लैगोस से हमारे एयरपोर्ट पे, बिकॉज हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं था तो अब मुझे जाना पड़ेगा। तो आई एम गोइंग ऑन अ वे टू एयरपोर्ट नाउ। हेयर कम्स आर मुर्तला मोहम्मद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यही वो एयरपोर्ट है जो मुझे मेरे घर पे वापस पहुंचाएगा। बट गाइस वेरी वेरी हार्ड लक यार, मेरी फ़्लाइट कैंसिल्ड हो गई और उसके बाद फिर मुझे दूसरी फ़्लाइट 2 दिन के बाद की गई, जिसके लिए मुझे होटल एकोमेंडेशन भी दिया गया, लंच ब्रेकफास्ट एवरीथिंग इन्होंने दिया, विच वॉज क्वाइट गुड। बट ये आने के बाद फिर से एक हादसा हुआ, सुनो आप। सो लाइक विच रूम वी आर गेटिंग? No, this accommodation is from airline. Kenya Airline. Yeah. You got it? No. No? No. You can speak. Sir, hotel acha hoga, khana bahut. Of course. Okay, yeah. Hi. 09011. Thank you. साहब ये जेल है, जेल। वेलकम टू नाइजीरिया। देखा कहाँ देगा, बोला है कहाँ देगा। दिस इज वन ऑफ द रूम, अच्छा रूम है भाई, दो रूम हो गया। या टेक टू टू हियर, दिस वन हियर, या या नाउ नेक्स्ट 11। रुकिए 11 में रखा जाता हूँ। सब मिल रहा है, मजे लेते हैं और क्या। बस बेटा नेक्स्ट वन। दिस इज 11। तो हमारा यहाँ पे 2 दिन का लग्जरी स्टे होने वाला है एंड हम बहुत मज़े करने वाले, इंक्लूडिंग ऑल द पार्टीज, लंच ब्रेकफास्ट डिनर एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड। और इसके बाद हम फिर निकल गए हमारे एयरपोर्ट के लिए और उम्मीद करते हैं आज की फ़्लाइट बहुत अच्छे से टाइम पे रहेगी, अदरवाइज़ हमें बहुत गुस्सा आने वाला है। बट यार एक चीज़ तो मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि लैगोस में ना यार ट्रैफिक बहुत बुरा है, मतलब मेरे को 6 से 7 किलोमीटर जाने के लिए पूरा 1.5 घंटा लगा मुझे एयरपोर्ट पहुँचने के लिए, विच इज़ रियली सो टायरिंग एंड बोरिंग। बट इन सब के बावजूद भी हम पहुँच गए एयरपोर्ट पे, लेकिन हमारा फिर से यहाँ पे लक काफ़ी ख़राब था, हमारी फ़्लाइट 4.5 आवर्स डिले थी। बट एनी वे यार फ्लाइट तो आ गई, आई एम सो हैप्पी। तो मेरी फ़्लाइट आ गई है और अब हम जाएंगे बोर्डिंग करने के लिए फ़्लाइट में, इतने लंबे वेट के बाद। अफ्रीका यार तुम लोग इतना फ्लाइट डिले कर रखते हो यार। सो हेयर आई एम इनसाइड द एयरक्राफ्ट नाउ। अब यहाँ से मुझे ये फ़्लाइट लेके जाएगी रवांडा और वहाँ पे फिर ज़्यादा हॉल्ट नहीं है, एक छोटा सा हॉल्ट है और उस हॉल्ट के बाद हम डायरेक्टली रवांडा टू मुंबई जाएंगे।
तो मेरी फ्लाइट यहाँ से फाइनली इट्स अबाउट टू टेक ऑफ। एंड गाइज ये व्यू देखो यार, ये अर्ली मॉर्निंग कुछ 3-4 बजे का है और ऐसा सनराइज दिख रहा था और हमें वो मून भी दिख रहा था। इट वॉज रियली सो रोमांटिक एंड सो ब्यूटिफुल सीनरी। फाइनली हम मुंबई एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो में साथ में बने रहने के लिए। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। बाय बाय।